हेलो फ्रेंड, अब नागपुर से गोंदिया तक एक्सप्रेसवे के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। यह एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे 127 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे 7,345 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। हालांकि इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने समृद्धि महामार्ग के विस्तार के लिए तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें गोंदिया से नागपुर तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। हालांकि यह एक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसे सीधे समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में 3000 किलोमीटर हाईवे निर्माण की योजना तैयार की थी, जिसमें राज्य के 36 जिले कनेक्ट होंगे, जिसे 3 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा करने का लक्ष्य तैयार किया गया था। 2022 में समृद्धि महामार्ग से जोड़ने के लिए 11 एक्सप्रेसवे की योजना तैयार हुई थी, जिसमें नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे भी शामिल था, जिसके लिए MSRDC ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वैसे नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे का रूट सामने आ चुका है, जिसमें नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे को 4 पैकेज में बनाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पैकेज में गवासी से चनौदा 29.4 किलोमीटर, सेकेंड पैकेज में चनौदा से थाना 29.4 किलोमीटर, थर्ड पैकेज में मनोरा से सोनेगांव 27.4 किलोमीटर, साथ ही पाल डोंगरी से कोचवानी तक 3.8 किलोमीटर, टोटल 31.2 किलोमीटर। वहीं फोर्थ पैकेज में सोनेगांव से सावरी 23.3 किलोमीटर, साथ ही गोंदिया बाईपास लोहारी से कारंजा तक 13.7 किलोमीटर के साथ कुल 37.0 किलोमीटर हाईवे बनाया जाएगा। गोंदिया नागपुर एक्सप्रेसवे की कंप्लीट करने की डेडलाइन 2027 रखी गई है। इसे 4 भागों में पूरा किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। टेंडर पूरा होते ही इस एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।